नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम साजिद सैफी है और मैं जो कहने जा रहा हूं उसे सुनने के लिए आपको अपना कलेजा थामना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो कहने जा रहा हूं उसे सुनते हुए हो सकता है आप भावुक हो उठें, और अगर इतने भर पर भी आपकी आंखों की पुतलियां नहीं थमती, सीने के पीछे छुपा दिल की धड़कनें तेज नहीं हो जाती और बढ़ते तापमान में आपके गर्म शरीर पर दौड़ने वाला पसीना ठंडा नहीं पड़ जाता, तो यकीनन आपको एक बार खुद के भीतर झांकने की जरूरत है। मैं जो कहने जा रहा हूं उससे पहले मैं राम राज्य वाले उत्तर प्रदेश की रहने वाली उस मां से माफी चाहता हूं जो डिजिटल इंडिया के डिजिटल समाज के बीच रहते हुए भी इस कदर मजबूर हो चली कि उसे अपनी कोख से जन्मी बच्ची को अपने ही हाथों से जिंदा दफनाना पड़ा। उस मासूम बच्ची से माफी चाहता हूं जिसके पापी पेट ने उसे भूख से चीखने पर तड़पने पर मजबूर किया, और उन चीखों ने बेबस मां को इस कदर बदहवास किया कि उसने अपने कलेजे के टुकड़े को कलेजे पर भारी पत्थर रखकर जिंदा ही दफना दिया। योगी जी के उत्तम प्रदेश में हालातों से मजबूर हुई बेबस मां ने सिर्फ इसलिए कई फीट गहरा गड्ढा खोदा ताकि उसकी भूख से तड़पती लाडली की चीखें फिर उसकी सिसकियां सुनकर पक चुके कानों तक ना पहुंचे, और फिर इस मजबूर मां ने अपनी मासूम बच्ची को जमीन में गाड़ दिया। यह कहानी आपको भले ही फिल्मी लग रही है, मगर यह घटना सिर्फ सच्ची नहीं बल्कि डिजिटल इंडिया के राम राज्य वाले उत्तम प्रदेश के हरदोई जनपद से सामने आई यह घटना समाज के ठेकेदार, सियासत, हुकूमत, हाकिमों, हुक्मरानों से चीख चीख कर सवाल पूछ रही है कि इस डिजिटल इंडिया में एक मां को इतना मजबूर क्यों होना पड़ा जो उसने अपनी जिंदा बच्ची को ना सिर्फ धरती में दफना दिया बल्कि उसके नाजुक से शरीर पर मिट्टी का भारी बोझ भी रख दिया। यह पूरा मामला हरदोई जिले के लोनार थाना के सकरौली गांव का है। दैनिक भास्कर की साइट पर छपी खबर के अनुसार यहां के भगवान नदीन की 2 वर्ष पहले मौत हो गई थी। भगवान दीन अपने पीछे 3 बच्चे और पत्नी को छोड़ गया था। भगवान दीन की मौत के बाद उसकी पत्नी और 2 बेटियां गांव में मांग कर कुछ छोटा मोटा काम करके गुजारा करने लगी। खाने पीने की व्यवस्था न देखकर भगवान दीन की बहन उसके बेटे को अपने साथ ले गई। यहां भगवान दीन की पत्नी और 7 साल की बेटी नंदनी और 2 साल की बेटी मधु रह गई। जैसे तैसे इन तीनों का गुजारा चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनके खाने का कोई इंतजाम नहीं हो पा रहा था। महिला ग्रामीणों को अपनी समस्या नहीं बता पा रही थी। गांव में कई दिनों तक खाना नहीं मिल पाने के कारण छोटी बच्ची कुपोषण का शिकार हो गई। वह कई दिनों से लगातार कमजोर हो चली थी। महिला के पास न तो दवा कराने के लिए पैसे थे और न खाना खिलाने का कोई इंतजाम। ऐसे में बेबस मां ने मजबूर होकर गांव के नजदीक ही एक तालाब के पास गड्ढा खोदकर अपनी कुपोषित बच्ची को जमीन में दफना दिया। इसी बीच किसी तरह गांव वाले मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बच्ची को जिंदा बाहर निकाल लिया। चाइल्ड लाइन को सूचना दी गई। चाइल्ड लाइन की टीम ने मौके पर पहुंचकर मां व उसकी बच्चियों को अपने संरक्षण में ले लिया। चाइल्ड लाइन की टीम भले ही बच्ची को अपने संरक्षण में ले चुकी हो, मगर कई सवाल अभी भी सीना तान कर खड़े हैं। सवाल है कि सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाओं ने 2 साल पहले विधवा हुई बेबस मां की चौखट तक पहुंचने से पहले कैसे दम तोड़ दिया। सवाल यह भी है कि सियासी मंचों से विकास के बड़े बड़े ढोल पीटने वाले हाकिम इस बेबस मां की आंख में आग डाल सकते हैं। सवाल और भी कई हैं, मगर उन सवालों के जवाब अभी किसी के पास नहीं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आप लगातार इस तरह की वो खबरें देखना चाहते हैं जिन्हें मेन स्ट्रीम यानी मुख्य धारा की मीडिया मुद्दा ही नहीं समझती, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा लें और हमारे इस वीडियो को अपने तमाम दोस्त, यार, रिश्तेदार, समाज के उन हाकिम हुक्मरानों तक पहुंचा दें जो दावे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, मगर इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कहने वाले नेताओं को यह देखना चाहिए कि आज भी एक
माँ जब अपने बच्चों को खाना नहीं दे पाती तो उसके पास अपने जिंदा बच्चे को जमीन में दफन करने के सिवा कोई चारा नहीं बचता। नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।